ये संख्या हमारा क्या बोले, किसी संख्या का आधा करने पर उसकी 100 की कमी हो जाती है। संख्या हमें मालूम नहीं, लेकिन 100 से उसको घटाने की बात कर रहे हैं। तो जब वो 100 में से वो संख्या घटाते हैं, तो संख्या का आधा घटाने की बात कर रहे हैं। तो संख्या का आधा हम घटा दिए, तो ये क्या बोल रहे हैं, उसी संख्या में से, मतलब संख्या ये सेम है, संख्या सेम है, उतना ही अधिक संख्या में उतना ही अधिक, मतलब क्या है, 100 में से उसको जब इसको 100 को इधर करते हैं, समझ आ रहा ना, इसको हम माइनस में डालना पड़ता। अब इसको क्या करेंगे, 100 में x में से उसी को घटाएंगे, कितना 104, पूरे के बटा में क्या बोल रहे हैं, आधा, 100 से अधिक का आधा हो जाता है, 100 से अधिक का आधा, तो बटा में कितना 2 दे देंगे, पूरे कहानी की आधा बोल रहा है। तो ये करता गुना इधर भेज दो, इधर सेम टू सेम कहानी प्रोसेस करेगा ये, तो 2 × में आ जाएगा 100 माइनस x बटा में, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 100 बचेगा। और जब इसको गुणा करेंगे तो 200 माइनस का कितना बचेगा, x इधर x माइनस 100 बचेगा। इसको लेके आ जाओ इधर, इसको लेके आएंगे माइनस करेगा, इधर लेके जाएंगे इधर क्या करेगा माइनस, तो ये कितना होगा माइनस का 2x, और इधर कितना बचेगा माइनस का 300, क्योंकि माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300, माइनस माइनस खत्म, कितना आया भी तो उसी कहानी से। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। जब किसी संख्या को 16 से गुणा किया जाता है तो क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का 80% हो जाता है। तो बोले कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या अनुपात है, ये बताइए। क्वेश्चन तो बेसिकली आप लोग समझ भी गए होंगे, आपको दिख भी रहा होगा। तो बोले कि पहली संख्या आपको नहीं मालूम है, तो पहली संख्या क्या है हमारा, एक्स है, और जब इसमें 16 से गुणा किया जाता है, समझिएगा बात को, 16 से गुणा किया जाता है तो जो दूसरी संख्या होता है ना, दूसरी संख्या उसका क्या हो जाता है, 80%। अब ये दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, लेकिन 80% की बात जरूर किया है, तो हम दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब ये प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बटा में 100, तो ये प्रतिशत गायब, 10 से 10 खत्म, 4 × 8 5 × 10, समझिएगा बात को जरा। अनुपातिक रेशियो हमसे पूछा है, अनुपातिक रेशियो पूछा है, तो 16 कर रहा है इधर गुणा, उधर जाएगा क्या करेगा, भाग हो जाएगा, और ये इधर करता गुणा इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, मतलब x बटा वाई अनुपातिक रेशियो तो ही है, और ये इधर भेज देंगे तो 4 के बटा में कितना आ जाएगा, 5 तो पहले ही से था, और 16 फिर से आ गया। अब इसी को अनुपात बोलते हैं, x अनुपात वाई है, ये x अनुपात क्या है, ये बटा का मतलब ही वाई होता है, समझिएगा चीज को। आइए देखिए, 4 × 4 = 16, और 4 × 5 = 1/20 का मतलब क्या हुआ, 1:20, समझे, अनुपातिक रेशियो नंबर ये 34 है हमारे सामने। और ये बोलेंगे कि किसी संख्या को 11 से गुणा किया जाता है, कि कोई भी संख्या है उसको जब हम 11 से गुणा करेंगे तथा गुणनफल में जब 11 जोड़ देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या का प्रारंभिक मान बताना है। तो छोटी संख्या शुरुआत कहाँ से, सुनिए, संख्या शुरुआत कहाँ से हो रही है, संख्या है क्या, ये तो हमें नहीं मालूम है। संख्या में बोल रहे कि जब उससे 11 से गुणा किया जाता है, तो संख्या हमारा x होगा, जब 11 से गुणा करेंगे तो 11x होगा कि नहीं होगा, और बोले कि जब इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं, 11, तब ये किससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। सोचिए एक बात को सुनिएगा, यहाँ पे लॉजिकल सवाल है, बाई ऑप्शन इस तरह के सवाल को करा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक अब ये संख्या क्या है, अब हम इन दोनों में से क्या 11 कॉमन कर सकते हैं ना, 11 कॉमन करेंगे तो ये x बचेगा, प्लस का कितना बचेगा 1, बराबर में कौन बचेगा 13, समझे। बाई ऑप्शन इस तरह के सवाल को करा जाता है, बाई ऑप्शन करिएगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक बात और हम आपको बताए थे कभी ना कभी, कि जब 6 × 5 के कितना होता है 30, 6 इसको विभाजित कर सकता है, तो क्या 5 इसको विभाजित नहीं करेगा, 100% करेगा। तो जो 13 अगर इससे दोनों का गुणनखंड जो भी संख्या आ रहा है जो इसको विभाजित कर देगा, तो जो 13 से विभाजित हो जाएगा तो इसे विभाजित हो जाएगा 100%। अब आप x की जगह पे सोचिए, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड हम देते हैं, ऑप्शन आपके सामने, हम कुछ लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने सेम है, x की जगह पे ये 4 ऑप्शन, अगर 1 दे दे 12, 2 दे दे 11, और c दे दे 10, और d दे दे हम 15, क्या रखिएगा, 12 रखेंगे ना, क्यों, क्योंकि वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 12 ये रखे x की जगह पे, और प्लस का 1 कितना होता है 13, गुणा में कौन कर रहे हैं 11 गुणा में कितना 13, और ये कितना है 13 से जब ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो ये भी इसको विभाजित करेगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने यही बात बताया था, अगर 6 × 5 = कितना होता है 30,
ये इसको विभाजित कर सकता है तो ये भी विभाजित करने की क्षमता रखता है। हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा क्लिक करा जाएगा, एक नंबर। इसका आंसर क्या होगा, 12। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 12। बिगिनिंग पॉइंट इसका 12 होगा, ठीक है। 12 यहाँ पे रखेंगे, ये 13 से विभाजित, तो ये भी क्या होगा, 13 से। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, बोल रहे हैं कि तीन क्रमगत संख्याओं का योग बीच वाले संख्या से 332 अधिक है, तो बीच वाला अंक कौन सा होगा। तीन गो क्रमगत कोई संख्या है, ठीक है, तीन गो कोई क्रमगत संख्या है, पहला संख्या क्या है हमें मालूम नहीं है, आज जब नहीं है तो हम उसको एक से ले लिए, तो दूसरा संख्या हमारा x प्लस 1 और तीसरा संख्या हमारा x प्लस 2 आ जाएगा। पहला संख्या, दूसरा संख्या और ये रहा हमारा तीसरा संख्या। उम्मीद करते हैं कि पहला का ही तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कंडीशन के मुताबिक क्रमगत संख्याओं का योग जब कर रहे हैं ना, तो बीच वाला जो संख्या, बीच वाला यही ना है, तो क्रमगत मतलब इसको जोड़ दीजिए, x प्लस 1 ये जोड़ दीजिए और x प्लस 2 इसको जोड़ दिए, तो बीच वाला संख्या से 132 अधिक हो जाए, कितना अधिक है, 332 ना, 332 अधिक हो जाए, तो बीच वाला संख्या कौन है हमारे पास, x प्लस 1 और प्लस का कितना, 332। इतना हमारा क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। चलो जब इतना अधिक हो ये जा रहा है तो देखते हैं कि अधिक और क्या कर सकते हैं हम। चलिए अब इतना बात समझ गए ना, इतना बात हम समझ गए, तो बीच वाला संख्या से कितना अधिक हो जा रहा है, 332 अधिक हो जा रहा है। अब जब सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3x प्लस 3 होगा क्या, 1x 2x 3x 3x हो गया, 1 और 2 कितना होता है, 3, कन्फर्म है। इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 333 ना, एक जुट गया उसमें रियल को रियल से, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये जाके घट जाएगा और ये आके जुट जाएगा, सही बोल रहे ना, ये आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, और जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 330। दो से तो कट रहा है ना, इकाई स्थान पे जीरो तो दो काट सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, 165। देखो तो ठीक से, 15 × 2 = 30 और 150 × 2 = 300, तो वो संख्या कौन है, 65। पहला संख्या कौन है हमारा, बीच वाला संख्या कौन है, 65। तो इसके पहले कौन जुटा होगा, 164, और इसके बाद वाला कौन होगा, 166। समझ रहे ना, क्रमगत जोड़ने की बात कर रहा है, क्रमगत का मतलब लगातार 155 अधिक है और दोनों का योग 547 है, तो बड़ी संख्या कौन है, तो पहला संख्या तो हमारे पास कन्फर्म है ना, पहला संख्या कौन है, एक्स है, दूसरे संख्या में मालूम नहीं, लेकिन इतना हमें आइडिया है कि जो भी दूसरा संख्या है वो कितना है, 155 अधिक है। सुनिए, जब बराबरी, जब दोनों को तुलनात्मक रूप में लेके आएंगे, अधिक है मतलब इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अधिक है मतलब इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा, एक्स प्लस में एक्स माइनस 155, जब दोनों को जोड़ देंगे, किसको, 150 हो गए तो 55 करिए, जब दोनों को जोड़ देंगे, जब इधर करेंगे तो उस साइड में भेजेंगे, देखो यहाँ पे x और ये कितना है, 155, यहाँ पे x प्लस x ऑलरेडी है, जब उसी संख्या में उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो इधर आके घटेगा ना, तो वही वाला बात है इधर, तो दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, संख्या 1 संख्या 2 को जब जोड़ दिया जाता है, तो इनका योग कितना हो जाता है, 547 हो जाता है, इनका योग कितना हो जाता है, 547। तो पूछा कि बड़ी संख्या कौन है, आपके पास ये पहले वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर हमारा खत्म हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 2x, x और x कितना है, x, 2x माइनस का, तो उधर जाके क्या करेगा, प्लस जुड़ेगा ना, 7 × 5 = 12, ये जुड़ जाएगा, 547 प्लस 155, 7 × 5 = 12 के लिए 2, 5 × 4 = 9 = 10, 6 × 1 = 7, 2 से इसको भाग लगा दीजिए, 351 351। ये संख्या हमारा कौन होगा, 340 है। और क्वेश्चन हमसे ये बोला कि दो संख्याओं का योग 22 है, क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्याओं को जब जोड़ देते हैं तो कितना हो जा रहा है, 22 हो रहा है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, मतलब पहली जो संख्या है दूसरी संख्या के, पहली संख्या 5 गुना और दूसरी संख्या 6 गुना आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों संख्याओं बोल रहा है कि बड़ा कौन होगा। एक बात इसे समझने वाला चीज ये है कि जब भी x प्लस y को जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा,
मतलब दू गो ऐसा संख्या को हमको आपस में जोड़ देना है, कैगो संख्या को, दो संख्या को आपस में जोड़ देना है, और जब भी जोड़ेंगे तो उसका योग 22 होगा। वैसे 20 और 2 भी होता है ना 22, 18 4 भी 22 होता है, हाँ जी बिल्कुल, 17 5 भी 22 होता है, 15 7 भी 22 होता है। बहुत सारा ऐसा संख्या है जो दो को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेकिन कंडीशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए ना। पहला कंडीशन बोल रहा है कि पहला संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के कई गुना, 6 गुना के बराबर है। ये बात भी हमें स्पष्ट करना होगा। तो हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकाल देंगे तो काम। पहला संख्या को हम x मान लिए और दूसरा संख्या को y। चूंकि आपको तो मैट्रिक और इंटर के एग्जाम देना नहीं है, तो मानने जानने से थोड़े हो जाएगा कि माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। मन मन समझिए, कुछ अंडरस्टूड चीज होती है। पहला संख्या हमारा x है, दूसरा संख्या हमारा y है, ठीक है, क्योंकि 0 और ये तो हो नहीं सकता है। क्वेश्चन समझ गए ना, बनाना कैसे देखो। ज्यादा समय इसमें एक्चुअली लगता नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। वैसे हम चाहे तो इसको काट सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, बटा के जोड़ के तरीके से भी काट सकते हैं मान रख करके, या फिर चाहे तो किसी एक को एलिमिनेट करके भी कहानी इसका समाप्त हम कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से जानते हैं सबसे ज्यादा प्रेफर क्या समझते हैं, एक्स को खत्म करके वाई को लेके आने के लिए। तो एक्स बराबर में क्या लिख सकते हैं, गुणा करता जाकर भाग करेगा ना, 6y बटा में कितना हो जाएगा 5। एक्स का मान है, हम ये एक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं तो वाई वाई दोनों हो जाएगा, बट्टा का जोड़ बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा ना। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसका मान रख देते हैं, एक्स बराबर कितना रखेंगे एक्स के जगह पे, 6y/5 और वाई पहले ही से, तो हम आसानी से वाई का मान निकालेंगे। जब वाई का मान निकल जाएगा तो एक्स में इतनी अवकात कहा कि एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, खट से एक्स का मान निकल जाएगा। समझे कि नहीं बात को, तो हम वही काम करते हैं। देखो एक्स के जगह पे क्या करते हैं, 6y/5 में कौन है 5 प्लस वाई पहले ही से है, बट्टा में एक देते हैं ताकि बट्टा का जोड़ आपको समझ में आए कि हम करने वाले यही है। बराबर में इधर क्या लिख देंगे 22, कोई दिक्कत सिखवा गया मन में तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। दोनों के एलसीएम बोलिए 5 ही ना होता है, 5 हो गया। और ये देख लीजिए 6y होगा, 6y y हो गया, 5 है, 5 है, 5y होगा, 6y प्लस में 5 y, समझ रहे ना, 5 y बराबर में इधर कौन 22। ये देख लिए 5 को 6 को 11 को कट गया क्या, दो बार में, तो y बटा में ये 5 है बराबर में, तो 5 गुना कितना 10। आज तेरी के एक मान तो निकल गया, एक बात मुंह मुंह ही बता दीजिए आप साक्ष से, मुंह मुंह ही बता दीजिए, दो गो संख्या जोड़ेंगे तो 22, तो पहले संख्या इसी में से घटा ना दीजिए, 22 में से 10 को घटेंगे, आपको नहीं लगती कि 12 को आएगा, अभी 10 12 की 12 12 समझ गए। तो इतना बच्चों की तरह मत करिएगा कि माना अभी इसको y का मान आप समीकरण एक में रखने पर तब फलन निकलना चाहिए, ये का है, कोनो मतलब नहीं ना बनता है उसका सट से किसी भी। यहाँ पर भी अगर y का मान रखते हैं 10, तो 5 गुना 10 6 गुना कितना होता है, कहीं से भी रखिए सट से बन जाएगा। आपको बता देना कि ये को जब 10 होगा तो दूसरे का 10 को में कई को जोड़ेंगे कि 22 हो जाएगा 12 को, तो भरभली भी बनता है। पूछा है हम कि दोनों में बड़ा कौन, तो दोनों में 12 बड़ा। आप पहलका के 5 गुना दूसरे का 6 गुना आपस में बराबर ना है, 6 गुना 5 गुना दिख रहा है ना, 2 5 10 6 गुना 12 समझ रहे हैं ना, 5 गुना 6 गुना का ये रोल रिप्ले, कोई अंतर है। उसमें बोला था कि दो संख्याओं का योग 22 है, इसमें बोल दिया दो संख्याओं का योग 78। सिंपल है, x + y बराबर में 78 हो गया। आप बोला है कि पहली संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना का योग जो है ना वो कितना है 318 है। तो पहले संख्या का 5 गुना सॉरी x दूसरे संख्या के 3 गुना का योग कितना है 318। तो गाय गलती बार बार हमको कटवा रहे हैं, ठीक है ये ना है। अच्छा चलिए अब ये बात समझ गए, तो हम जो रूल उस समय खेले थे वही खेल खेल लेते हैं अभी, तो इसको भेज देते हैं। किसको आसान किसको रहेगा भेजना, आसान किसको रहेगा, पहले तो इसको दो से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या निकलना है दूसरा मान निकलना है। जब एक्स को वाई को भेजेंगे तो एक्स को इसमें रखेंगे कहानी हमारा खत्म हो जाएगा। हम किसको भेजते हैं उधर, वाई को भेजते हैं, वाई को भेजते हैं ना, तो ये क्या हो गया 5x हो गया, 5x बराबर में कितना 318 माइनस 3y, इसको उधर भेज दिया ट्रांसफर करने के लिए, तो x का मान कितना 318 माइनस 3y बटा में कौन है 5 है, इसको उठा कर पटक दीजिए यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख देंगे y का मान आ जाएगा क्योंकि सेकंड मान हमें निकलने की बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो x की जगह पे कितना है 318
माइनस का 3y बटा में कौन है 5 है ना, और प्लस के कौन है y बराबर में कौन है 78, समझ में आ रहा है 78। इसका गुणे इसके साथ कर दीजिए और इसका गुणे इसके साथ कर दीजिए, इसका कहानी खत्म। तो 318 सही है, और ये माइनस का 3y भी सही है, और ये 5 का y भी सही है। 8 × 5 = 40 के लिए, 8 × 5 = 40 के लिए 0 हो गया, 8 × 5 = 40 के लिए 0, और 5 × 7 = 35, 4 × 39 = 39, 390 इसको भेजेंगे उधर क्या कर जाएगा, माइनस करेगा, माइनस करेगा, और ये कितना हो जाएगा 2y, ठीक है ना, प्लस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 5 कितना होता है 2 होता है, और इसको घटा करके लिखेंगे तो कितना 90 में से 18 को घटा दीजिए, कहीं को बचता है 90 को में से 18 को घटाते हैं तो शायद 72 को बचता है, 72 को बचता है जी, बिल्कुल 72 को बचता है। तो y का मान कितना 36, और ये हमें निकालना था 36।